कल का दिन पूरे देश के लिए बहुत अहम है क्योंकि 13 तारीख को आने वाले नतीजे 2024 का आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अहम रहेंगे। कर्नाटक के इलेक्शन में गिफ्ट की सियासत से लेकर करप्शन और हिंदू मुस्लिम और हेट स्पीच भी देखने को मिली है। किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी कितने लेगी सीट, किस शहर में किस गांव में कौन बनेगा एमएलए, ये चिंता सबके दिमागों में चल रही है और करोड़ों की शर्तें लगाई जा रही हैं। न्यूज़ चैनलों की एग्जिट पोल देखें तो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ से लेकर जी न्यूज़ तक सब चैनल्स कांग्रेस का बहुमत बता रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक टीवी 9 सी वोटर्स एग्जिट पोल के तहत बीजेपी 83 से 95 सीट्स, कांग्रेस 100 से 112, जेडीएस 21 से 29। आज तक बता रहा है कि कांग्रेस 122 से 140, बीजेपी 62 से 80, जेडीएस 20 से 25, अदर्स 3। जी न्यूज बता रहा है उन 80 से 94 बीजेपी और 103 से 118 कांग्रेस और जेडीएस 25 से 33 और अदर्स 2 से 5। न्यूज 24 बता रहा है कांग्रेस 120, बीजेपी 92, जेडीएस 12, अदर्स 0। टाइम्स नाउ बता रहा है बीजेपी 78 से 92 और कांग्रेस 106 से 120 और जेडीएस 20 से 26 और अदर्स 2 से 4। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी 62 से 80, कांग्रेस 122 से 140, जेडीएस 20 से 25 और अदर्स 0 से 3। अब कौन सा एग्जैक्ट पोल सही है होगा, कौन सा गलत, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल इन एग्जिट पोल की खबरों से कांग्रेस के नेता खुश दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है क्या ये खुशी इनके चेहरों पर कल नतीजे आने पर बाकी रहेगी या नहीं। सभी पार्टियां कल के आने वाले रिजल्ट से पहले ही हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और कल जो भी जीतेगा वो अपने अपने पार्टियों के हेडक्वार्टर को आने की इत्तला इन्हें दी गई है। जबकि एक तरफ फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने कहा है कि नतीजे कुछ भी हो कप हमारा ही होगा। नावे स्पष्ट बहुमत बर्तरी डाउट इलानेर आगे अंदर कूड़ा ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮದೇ, ಟ್ರೋಫಿನ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಚನ್ನ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ 100%। कहीं फिर से ऑपरेशन कमल की तैयारी में तो नहीं है क्या? इसी डर से कांग्रेस चुने हुए नेताओं को फौरन बेंगलुरु आने के लिए कह रही है। क्या कांग्रेस के गारंटी कार्ड की तरह विधायकों की गारंटी कांग्रेस को नहीं है? वहीं जेडीएस किंग मेकर होने का दावा कर रही है। कर्नाटक के 5 करोड़ से ज्यादा वोटर ने 73.19% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। अब कल देखते हैं कर्नाटक की जनता किस पार्टी की सरकार बनाती है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।